हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू सिटी शाउट्स। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं जितेंद्र एंड आई होप आप सभी भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, टाइटल से हिंट हो गया होगा, ये व्लॉग हमारे एनिवर्सरी राइड का फ्लैशबैक है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो ये जब व्लॉग एक्चुअली शूट हुआ था तब उस दिन था 5th जनवरी। हमारे जो ग्रुप है द एक्स राइडर NCR होंडा हॉर्नेट राइडर्स का, तो हमने क्या किया था, इसका एक्चुअली जो फाउंडेशन डे है वो 1st जनवरी है, बट 1st जनवरी को सारे लोग बिजी थे किसी किसी काम में, तो हमने इसको पोस्टपोन करके अपना जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया था वो हमने 5th जनवरी को सेलिब्रेट किया था, जनवरी के 1st संडे को। एंड एज अ गुडविल फरीदाबाद होंडा शोरूम के जो ओनर हैं मिस्टर गौरव अरोड़ा, उन्होंने हमारे ग्रुप को एक फ्री सर्विस कैंपेन ओपन ऑफर किया था, एंड उसमें उन्होंने हमारी गाड़ी के लिए सारा चेकअप वगैरह कराया था। तो आप आगे व्लॉग देखिए, आपको समझ आ जाएगा हम वहाँ गए थे, आगे हमने क्या क्या किया, कैसे हमने सेलिब्रेट किया। एंड वहाँ पर सर्विस मैनेजर हैं मिस्टर ललित शर्मा, वो भी बहुत हेल्पफुल है, एंड वहाँ के सारे मैकेनिक्स के लिए एक थम्स अप, उन्होंने बहुत बेटर सर्विस क्वालिटी हमें प्रोवाइड की। एंड अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आप प्लीज़ फरीदाबाद होंडा को विज़िट करके देखिए, आप गूगल मैप्स में उसे लोकेट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका गूगल लोकेशन शेयर कर दूंगा। अगर आपके पास होंडा की कोई भी बाइक है अप टू 250 cc, आप दिल्ली NCR में अगर आप बेस्ट सर्विस लोकेट करना चाहते हैं होंडा के ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर, तो गाइस फरीदाबाद होंडा से बेटर आपको कोई सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ ललित जी और गौरव सर दोनों एक एक गाड़ी को बहुत ध्यान देते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम्स या जो भी हैं जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते तो उन्हें भी चैन नहीं पड़ता। तो लाइक ऐसा सर्विस सेंटर, ऐसी सर्विस क्वालिटी हमें आज तक पूरे दिल्ली में किसी सर्विस सेंटर पर नहीं मिली, पूरे दिल्ली NCR में। वैसे गाइस अभी ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है छत पर, तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप एक बार मौसम देख लीजिए, आज का मौसम कितना अच्छा है। एंड लॉकडाउन जैसा टाइम यार हमेशा नहीं मिलता नेचर को एंजॉय करने का, तो मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, हो सके तो शाम को आप लोग छत पर आइए, मौसम बहुत अच्छा है दिल्ली का। जहाँ भी आप पूरे ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी रहते हैं, सारी जगह मौसम बहुत इम्प्रूव हो चुका है, तो आप छत पर जाके मौसम को ज़रूर इन्जॉय कीजिए, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, TV मोबाइल सब कुछ छोड़कर कम से कम आधा या एक घंटा छत पर जाकर इन्जॉय कीजिए। एंड आप भी देखिए अभी मौसम यहाँ का कैसा हो रहा है दिल्ली का। तो गाइस अभी आप देखिए हमने फर्स्ट कैसे स्टार्ट किया।
सो गाइस ये था हम मॉर्निंग राइड करके मीटअप करके हम जैसे ही सर्विस सेंटर पहुँचे थे तो वहाँ सबसे पहले हमें मिले ललित जी। उन्होंने हमारी गाड़ियों को सबको सर्विस के लिए टैग करवाया, जो उनकी जॉब शीट होती है सबकी जॉब शीट बनवाई थी। एंड उसके बाद हमें रिफ्रेशमेंट ऑफ़र किया गया गौरव सर की तरफ से, उनके स्टाफ की तरफ से एक हमें वेलकम किया गया हमारे सारे राइडर मेंबर्स को। एंड उसके बाद क्या हुआ आगे के ब्लॉग में देखिए। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ये ब्लॉग पूरा कंटिन्यू देखिए। हाय गाइस, सो हम यहाँ फरीदाबाद होंडा शोरूम आ चुके हैं और यहाँ हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं। ये हमारे ग्रुप मेंबर फर्स्ट सोनू भाई और इनका रियल नेम है हरगोविंद, और ये हैं समर, ठीक है, ये सेकंड मेंबर, ये भी बहुत राइडिंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये हैं रौनक भाई, उड़ीसा से हैं, और ये विष्णु भाई, ये हाईवे इंजीनियर है। कहाँ से ये बताया था? ये राजस्थान से है, ये नहीं बताया उन्होंने। सो गाइस जैसे उन्होंने हमें वेलकम किया उसके बाद रिफ्रेशमेंट मिला था। रिफ्रेशमेंट वाज एक्चुअली वेरी गुड। लाइक कोई भी सर्विस सेंटर आपको एक गुड कस्टमर को या कोई भी किसी के लिए प्रिविलेज नहीं करता, बट फरीदाबाद होंडा की तरफ से हॉस्पिटलिटी जो थी बहुत बहुत अच्छी थी। एंड उसके बाद हमने फिर अपना एनिवर्सरी का केक कट किया, जो कि थोड़ा सा हमने हमारे ग्रुप के लोगों पर बनाया था, द एक्स राइडर्स। तो केक का डिज़ाइन कैसा था आप इसे देखिए, फर्स्ट टाइम ट्राई था, बहुत अच्छा शेप, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं बना, बट फिर भी जो केक बेकरी वाले थे उन्होंने बहुत ट्राई किया एंड वो बहुत अच्छा उन्होंने फिर भी केक, जितना वो दिख रहा था उससे ज़्यादा वो फ्लेवर उसका बहुत बहुत अच्छा था। तो हमने भी हम जो केक था वो सबके साथ कट किया एंड उस केक को कट किसने किया आगे के पार्ट में देखिए। उनको नहीं खिलाना, वो उन्होंने पाप किए कुछ। तो भी ला के नहीं आता सो गाइस केक कटने करने के बाद थोड़ा मस्ती वगैरह हुई, किसने ग्रुप स्टार्ट किया, कैसे सबसे पहले ग्रुप में कौन आया, इस तरीके से हमने एंजॉय करते हुए केक एक दूसरे को खिलाया। गौरव सर ने केक खिलाया सबसे पहले मुझे बीइंग एडमिन ऑफ द ग्रुप, एंड उसके बाद जो अलग अलग मेंबर्स थे, देन थोड़ा मस्ती वगैरह के बीच में हमने उसे इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद फिर ग्रुप राइडर्स जो थे लाइक समर वो वहाँ सिमुलेटर पर प्रैक्टिस कर रहा था, इंजॉय कर रहा था राइड को, एंड मैंने भी ट्राई किया, बट रियल लाइफ ड्राइविंग से ज़्यादा वहाँ टफ होता है। वहाँ जितना आप सोचते हो ना सिमुलेटर उतरे में तो क्रैश कर देता है आपकी बाइक को। एंड आफ्टर दैट गाइस
फिर हमने क्या किया था कि जब हमारी बाइक्स उसके बाद सर्विस स्टेशन पर जा चुकी थी तो उन्होंने सर्विस करना स्टार्ट किया। आप देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ हमारी बाइक की चेकअप कैंप लगा हुआ है, जो हमारी बाइक्स का चेकअप हो रहा है। सो गाइस, केक कट करने के बाद फिर बारी आई थी बाइक की सर्विसेज कैसी हो रही हैं। तो हमने नीचे जाकर देखा एंड सर्विस कैसी हो रही थी वो आपने देखा अभी पीछे स्लाइड पीछे क्लिप में। एक एक बाइक को बहुत बहुत अच्छे से सर्विस किया गया, उनको चेकअप किया गया। कुछ बाइक्स की सर्विस नहीं होनी थी तो उनको जस्ट एक चेकअप दिया गया, उनमें जो भी माइनर प्रॉब्लम्स थी। लाइक मेरी बाइक में बीइंग एक साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है मेरी हॉर्नेट, तो मैंने क्लच केबल्स वगैरह और कुछ जो पार्ट्स थे, जो नेसेसरी आइटम्स थे, वायर्स वगैरह, मैंने कुछ एज अ ऑप्शन चेंज करा लिया। उनकी तरफ से रिकमेंडेड नहीं था बट स्लाइटली, एंड जब मैंने उसे चेंज कराया तो मुझे बाइक चलाने में बहुत स्मूथ लगी। एंड क्या हुआ था कि कभी भी कहीं इतनी अच्छी सर्विस नहीं मिलती है। उन्होंने क्या, वहाँ पर ललित जी ने बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा काम करवाया। मैकेनिक्स सारे इतना अच्छी एज अ टीम वर्क कर रहे थे, तो मैकेनिक्स के साथ इंट्रैक्शन भी हुई हमारी, उनके एक्सपीरियंस वगैरह वो बहुत अच्छे थे सारे लोग। उन्होंने काफ़ी अच्छे से, उनकी तरफ से भी हमें हमारे ग्रुप को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। हमारे ग्रुप में एक मेंबर है रोनित भाई, उनकी बाइक की एक प्रॉब्लम थी जो बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम थी, जो उन्हें नहीं कभी रिपेयर हुई थी, बट उसे भी वहाँ पर एक मैकेनिक भैया थे, उन्होंने उसे बिल्कुल करेक्शन कर दिया। एंड ललित जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए एक एक बाइक को ले गए, टेस्ट राइड किया अच्छे से, बाइक के राइडर के साथ उन्होंने टेस्ट राइड किया, सबका सेटिस्फेक्शन लिया। एंड उसके बाद जब हमने फिर ये एक ग्रुप पिक्चर्स वगैरह क्लिक की कुछ, आप ये देखिए, और ज़्यादा क्लिप्स आपको अगर ये पिक्चर्स हमारी देखनी है जो हमने वहाँ क्लिक किया, तो इंस्टाग्राम पर हमारे ग्रुप पेज को फॉलो कर लीजिए, द एक्स राइडर्स NCR। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ भी आपको दिख रहा है वीडियो में, आप इसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हमारे ग्रुप की पिक्चर्स आती हैं ग्रुप राइड्स की, अगर आपको ग्रुप राइड्स वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन और चाहिए, या आप कभी आप हमें ग्रुप राइड के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास भी कोई स्पोर्ट्स बाइक है तो आप हमें ग्रुप राइड के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, हम आपको अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर कर देंगे, कब मीटअप है कैसा है, तो आप हमसे मिल भी सकते हैं हमारे ग्रुप मेंबर से, साथ में हमारे राइड कर सकते हैं, राइड प्लान शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। तो आप अगली वाली पहले पिक्चर देख लीजिए। सो गाइस, ये लास्ट में फिर हम जब वहाँ से जाने वाले थे सारे ग्रुप मेंबर, सारा प्रोसेस होने के बाद, तो फिर हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे, तभी हमने एक पिक्चर ली थी सबके साथ में। तो वंस अगेन हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स की तरफ से उसके लिए फरीदाबाद होंडा, फरीदाबाद के ओनर मिस्टर गौरव अरोड़ा, सर्विस मैनेजर मिस्टर ललित शर्मा एंड वहाँ का पूरा ऑल ओवर स्टाफ, सबके लिए एक थम्स अप। थैंक यू गाइस, आपकी वजह से हमारे ग्रुप को बहुत अच्छी सर्विस मिली है। एंड गाइस, अगर वंस अगेन अगर आपकी भी कोई होंडा बाइक स्कूटी कुछ भी है, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो, तो वंस आप फरीदाबाद होंडा को ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड प्रॉमिस करता हूँ आप वहाँ, आपकी एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा आपको क्वालिटी मिलेगी। सो गाइस, इसी के साथ ये व्लॉग क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।